अपने चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ और गोल्ड हंटिंग के लिए हम आए हुए हैं। ये आप मेरे पीछे खूबसूरत व्यू देख सकते हो। आज हम यहाँ पे जो है वो सर्च करेंगे और देखते हैं इन पत्थरों में और इस पानी के बीच में हमारे नसीब में गोल्ड है या नहीं है, या इस इलाके में गोल्ड होता है या नहीं होता। तो आज आपको भी अपने साथ ये सारा प्रोसेस दिखाएँगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ हैं बाबू सुनार। तो बाबू भाई एक्सपर्ट हैं नियारा करने में, सोने को निकालने में, तो रेत में से सोना निकालने के मास्टर हैं ये। तो अभी इंशाल्लाह हम अपना काम शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय करेंगे और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा कि रब हमारी लिए आसानी पैदा करे और आज हम इस खूबसूरत जगह से कुछ ना कुछ ढूँढ के ज़रूर जाएँ। थैंक यू वेरी मच। आगे आप दिखाइए। अब मैं आपको सामान थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये एक थैला है, ठीक है, जिसमें हम अगर हमें कुछ मिल गया और खुदा करें दुआ करें तो उसमें रेत हम इसमें कैरी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ है, ये पत्थरों को हटाने के काम आएगी। इसके अलावा हमारे पास ये एक करंडी है जिससे हम सैंड को उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक छोटा सा बेलचा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता है किस काम आता है। सटक थोड़ी एक छोटी सी, एक छोटा ब्रश है हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों एक नेट है जिससे आप अपने पत्थर और रेत को अलहदा कर सकते हो, ये एक नेट है हमारे पास। इसके अलावा ये मैंने एक खुद ही सलाख है, इसको सीधा कर लेता हूँ कि चीज़ की अगर फंसी हो तो उसको निकालने के लिए, और ये भी मैंने खुद बनाया हुआ है खरोदने के लिए, दराजों में से पत्थरों की उसमें से निकालने के लिए। ये बास्केट जो है इसमें हम मटेरियल डालते हैं। और दोस्तों ये एक चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऊपर ये जाल लगा हुआ, ठीक है, और इसके बीच में ये नीचे एक ट्रे है, ठीक है, और ये एक पैन है। तो ये ट्रे इसके बीच में आ जाती है, इसके ऊपर ये आ जाता है, और इसके बीच में आप इसको रख लेते हो, भी मटेरियल है इसमें डालते हो, फिर इसमें पानी डाल देते हो और सैंड नीचे चली जाती है और स्टोन जिसमें रह जाते हैं वो हम फेंक देते हैं। उसके बाद आसानी से इस ट्रे को हम निकाल के जो सैंड हमने धोनी है वो फिर हम जो छोटा पैन आपने देखा है उसमें, या एक हमारे पास बड़ा पैन भी है उसमें फिर हम उसको साफ़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो टूल्स आपको इस काम के सैंड जो है इसके सैंपल जो है वो ले रहे हैं, और ये हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पैन में ऐसे ही डाल दें। अगर आपके पास मेटल डिटेक्टर हो तो बहुत बेहतरीन बात है, वो भी हमारे पास है लेकिन आज हम नहीं लेके आए, मंगवाया था लेकिन वो पहुँच नहीं सका हमारे तक। तो ये हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों। इस तरह से आप इधर आगे बनाएं ताकि ये नज़र आए कि ये वॉश हो रहा है, ठीक है। ये देखें जी, ये वॉश हो गया इस तरह से, ये तो ये स्टोन आप देख लें, अगर बीच में कोई काम का स्टोन है तो रख लें वरना ये काम का नहीं है तो इसको हम फेंक देंगे। उसके बाद हम ये जो इसमें आ गया आप देख सकते हो, ठीक है, ये हम थोड़ा हिला के ये देखो, ये दोस्तों ब्रीक सैंड हमारे पास अब आ गई है। इसको अब अगर हम वॉश करेंगे तो हम इसको वॉश करके तो इसमें से गोल्ड जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मुझे यहाँ पे ग्रीन पत्थर जो है इसमें बहुत
नज़र आ रहे हैं, पहले भी आपको दिखाया है। ये भी एक दो पत्थर हैं अभी छोटे छोटे, एक ये ग्रीन पत्थर है, एक आपको ये ग्रीन पत्थर नज़र आ रहा है और एक ये है। तो ये आप देखो, ये तीन पत्थर हैं इस टाइम, ये ग्रीन यहाँ से निकले हैं। इसमें से मज़ीद भी हो सकता है, इसमें कोई अच्छे स्टोन्स जो हैं वो हों, तो हम इसकी धुलाई करेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या है। तो बहरहाल मैंने आपको बताया ये काम इस तरह से करती है, तो इस तरह से आप अपने लिए बना सकते हैं। फिर इसको वॉश करना भी ईजी है, आप इस तरह से इसमें पानी जो है वो डाल लें और इस तरह से आप देखो, ये इस तरह से आप इसको वॉश करते जाओ, जो तो काम की चीज़ है वो पीछे होती जाएगी। और ये देखो कैसा खूबसूरत पत्थर बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें पर्पल कलर का, ये भी पर्पल कलर का स्टोन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो दोस्तों ज़रूर निकलेगा। तो बहरहाल फिर सफाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कुछ निकला है या नहीं। दोस्तों धुलाई हमने शुरू कर दी है, यहाँ पे मुझे कोई शाइन सी नज़र आई थी, वो गायब हो गई है, पता नहीं क्या था। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गोल्डन कलर की येलो कलर की चीज़ है कोई आपको नज़र आ रही है। तो मज़ीद हम अभी सैंड को साफ़ करते हैं। तो दोस्तों बाबू भाई थोड़े शाये हैं, उन्होंने थोड़ा मुझे कहा कि आप जो है ना वो समझा दें, तो मैं भी क्योंकि अभी नया नया हूं तो बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को समझा सकूं और ख़ुद भी अपनी जान समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुल मिला के मैंने बहुत एंजॉय किया। दोस्तों हमेशा कोशिश करो कि ज़िंदगी में कुछ नया करने को मिले, क्योंकि जब आप कुछ नया करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी लर्निंग होगी। जो अभी हमें इस उसमें से मिला है, अब इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा ये क्या है। तो बहरहाल ये आपके सामने ही उसमें से मैंने निकाला है। ये दोस्तों अब जो कुछ भी है इसको अब घर जाके टेस्ट करेंगे लेबॉर्ट्री में, तो पता चलेगा कि ये क्या है। तो बहरहाल ये छोटा सा एक पीस हमें मिला है, पता नहीं अब जो भी है इसका पता बाद में चलेगा। तो हिम्मत मददा मदद खुदा, कोशिश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये आप देखें थोड़ी सी धुलाई हम और भी कर रहे हैं उसी सैंड की जिसमें से ये निकला है। ये दोस्तों ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया और गोल्ड हंटिंग के लिए मैं गया। मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैं पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा जो है वो दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, और हमेशा मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाऊं। तो ये पाकिस्तान के दरियाओं में जो कुछ पाया जाता है, पाकिस्तान में जो मादनियात हैं, इसके ऊपर हम 10 वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम किसी और चीज़ की वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनाएंगे। तो ये गोल्ड हंटिंग के लिए हम फिर और मज़ीद वीडियो बनाएंगे और जाएंगे भी, क्योंकि हम हंटर्स हैं और शौक़ है हमें हंटिंग का, तो हंटिंग की डिफरेंट तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रिप,
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हम बोर हो रहे थे और कोरोना से तंग आके हम लोगों ने फैसला किया कि हम हंटिंग पे जाएंगे, तो आज हम गोल्ड हंटिंग पे आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे हंटिंग की, हम लोगों ने खूबसूरत व्यू जो है एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आपने भी ये व्यू एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आपसे मिलेंगे और कुछ और दोस्तों के साथ आपकी और मेरी मुलाकात होगी। अब मुझे और बाबू भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।